दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमारे फैमिली में बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो क्या हम उनको यहाँ पर एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड बुला सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ की रेजिडेंसी है? और दूसरा कि क्या कंट्रीब्यूटरी नंबर, यानी कि जो हमारा टैक्स नंबर है, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो क्या वो जरूरी होता है कि आप वो हर जगह अपना नंबर जो है वो जरूर दें? आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा पुर्तगाल का जो फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करें। मैं अक्सर उसमें अपडेट कोई ना कोई शेयर करता रहता हूं। अगर कोई जॉब की पॉसिबिलिटी है तो वो भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक जेम ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके एक पेज भी है, जहां पर मैं यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पॉसिबिलिटीज है आने की, यहाँ सेटल होने की, काम करने की, उसकी जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है पूरे ईयू की, मैं उसी ग्रुप में शेयर करता हूँ पेज के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, इंस्टाग्राम, आपको बारकोड भी शो हो रहा होगा। अगर आप उस बारकोड को अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन आपके पास है, लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर हम ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी 7 से 8 अक्टूबर वालों को फर्स्ट ईमेल, अक्टूबर 2020 वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। और अगर फिंगर्स की अपॉइंटमेंट की बात करें दोस्तों, तो 25 सितंबर 2020 तक सभी लोगों को सेफ ने फिंगर्स की अपॉइंटमेंट दे दी है। अगर अभी भी कोई हमारे भाई ऐसी फैमिलीज हैं जिनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, पर उनके फिंगर जो है, उनके जो फाइल है, वो 25 सितंबर 2020 से पहले या तक लॉक हुई थी, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पता करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि हाल ही के अंदर फैमिली अपॉइंटमेंट्स बुक ओपन हुई थी, जहां पर मेरा ख्याल है करीब 13,000 के करीब फैमिली अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, और लगभग काफी लोगों ने अपॉइंटमेंट पिक करी है, क्योंकि मैंने भी पिक्स करी है काफी सारे अपॉइंटमेंट कई लोगों के लिए, हमारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों, अब एक नया अपडेट ये है कि अब सेफ ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि अगर आप अपनी फैमिली को फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा के ऊपर यहां बुलाना चाहते हैं, और आपके बच्चों की उम्र 18 प्लस यानी 18 साल से ऊपर है, तो अब वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। यानी कि जब भी आप अपॉइंटमेंट फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे, या जब हम उनको कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को बुलाना है, तो वो लाजमी आपसे आप पूछेंगे कि भी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि बच्चे की उम्र 18 प्लस हो चुकी है, तो अब वो एलिजिबल नहीं है, तो वो अपॉइंटमेंट नहीं इशू करेंगे दोस्तों। क्योंकि पिछले से पिछले फ्राइडे मैंने पिक करनी थी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि उससे पहले मैंने काफी लोगों की 21 प्लस, जिनके बच्चे 18 प्लस हो चुके हैं, उनकी मैंने अपॉइंटमेंट्स पिक करी थी। पर अचानक से फ्राइडे को उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी कि नहीं, अब हम नहीं कर सकते हैं, हमें परमिशन नहीं है, 18 से नीचे या 18 साल तक ही हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम डिपेंडेंट मानते हैं। पर दोस्तों, ये चीज इन्होंने अभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है, बट अगर आप सेफ की जो फैमिली रियूनिफिकेशन की अगर आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, तो वहां ऑलरेडी ये चीज मेंशनड है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 18 प्लस यानी 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो फिर वो डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं रह जाता, वो फिर एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाता है, तो आप उसे अपने बेसिस के ऊपर यहां नहीं बुला सकते। तो दोस्तों, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सेफ ने ये नहीं कहा कि जिन जिन लोगों के पास 18 प्लस जिनके बच्चे हैं और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक करी हैं, तो उनको उनकी भी हम कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी बुक हो चुकी है वो फाइनल है, पर जो लोग भी अब जिनके बच्चे 18 प्लस हैं और उनकी अपॉइंटमेंट है, तो आपने एक डॉक्यूमेंट लाजमी
अपनी प्रोफाइल के साथ जोड़ना है वो ये है कि आपके जो बच्चे जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है वो कॉलेज या स्कूल में पढ़ते होने चाहिए हैं, और जब आप फिंगर्स के टाइम सॉरी अपॉइंटमेंट फैमिली अपॉइंटमेंट्स के टाइम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट पास करवाने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपने लाजमी अटैच करना है अपनी बच्चों के स्कूल या यूनिवर्सिटी से जो भी जिसमें भी वो पढ़ते हैं, आपने उन सभी स्कूल कॉलेजेस से आपने डॉक्यूमेंट इशू करवाना है कि भाई ये बच्चा, इसका ये नाम है, फादर नेम मदर नेम ये है, ये हमारे पास एक रेगुलर स्टूडेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट आपने अब लाजमी लेके जाना है। अगर आप ये नहीं लेके जाते हैं तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो फिंगर्स अपॉइंटमेंट के टाइम जब आप पेपर्स पास करवाने के लिए जाएंगे तो वो हो सकता है रिफ्यूज कर दें कि नो, आपका बेटा या आपकी बेटी अब डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट चाइल्ड है और वो स्कूल और कॉलेज में भी नहीं पढ़ रही है, तो हम उसको इस बेसिस के ऊपर यहाँ नहीं परमिट ग्रांट कर सकते कि वो यहाँ पर आए। तो दोस्तों, सभी भाइयों को आप ये लोग जरूर कहें कि जिनके भी बच्चों की उम्र 18+ हो चुकी है वो जरूर अपने बच्चों के स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट कि वो इसमें रेगुलर स्टूडेंट है वो अटैच जरूर करें, ताकि आपको फैमिली पास करवाने में कोई मुश्किल ना आए। और दोस्तों, अब दूसरी चीज कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नंबर यानी कि जो टैक्स नंबर 9 डिजिट का होता है, यूनिक नंबर, आप सभी लोगों के पास होगा, क्योंकि ये मुझे काफी बार सुनने में आया है कि कुछ इस तरह सी बातें होती हैं कि भाई आप जहां पर भी जाएं जरूर कॉन्ट्रीब्यूटरी नंबर दिया करें अपना, ताकि जब आप फिंगर्स के लिए जाएंगे तो सेफ को पता रहता है कि ये बंदा यहीं पर ही था, उसने यहां यहां ये सामान खरीदा है। तो दोस्तों, अगर तो आप इस पर्पस के लिए ही सिर्फ अपना नंबर हर बार बिलिंग के टाइम पर दे रहे हैं कि भी सेफ के नोटिस में रहेगा कि हम लोग यहीं पर ही हैं, भी हमने कभी 1 किलो आलू खरीद लिया, हमने कभी 4 किलो आटा खरीद लिया, या हमने दूध का पैकेट ले लिया तो भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल फिजूल और बकवास बात है। सेफ को इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती कि आपने अपना जो कंट्रीब्यूटरी नंबर टैक्स नंबर कहाँ कहाँ यूज किया, और ना ही सेफ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि भाई आपने कहाँ कहाँ टैक्स का नंबर यूज किया है। दोस्तों, पर्पस क्या होता है कि जब भी आप अपना कंट्रीब्यूटरी नंबर बिलिंग के टाइम पर देते हैं, अगर आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिस पर आपको टैक्स नहीं पे करना था, तो जब आपकी आईआरएस तैयार होती है तो वो जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा 2, 4, 5 यूरो भरे होंगे, तो वो आईआरएस के टाइम के ऊपर वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। यही रीजन है कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जरूर अपना कॉन्ट्रीब्यूटरी नंबर दिया करें, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, कोई ऐसी चीजें जो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से आपको देने की जरूरत नहीं है, पर वो बिलिंग में आ चुकी हैं और आपने फिर से पे कर दी है, तो जब आप आईआरएस भरेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड होती है कि इसने ये चीजें एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में दी थी जो हमें इसे वापस करनी होगी। और काफी सारे लोगों को, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पैसे वापस आते भी होंगे। अभी हाल ही में मैंने एक आईआरएस फिल की थी तो उन भाई को 54 यूरो 54 यूरोज जो है वो वापस आए हैं, वो इसी चीजों के अंदर एडजस्ट होते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि सेफ को पता लग जाएगा और हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नंबर यूज करें चाहे ना यूज करें। सेफ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ नंबर मारा है, और ना ही सेफ के पास ये डिटेल जाती है कि आपने कहाँ कहाँ नंबर यूज किया है अपना। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए होती है, ताकि आईआरएस जब फिल हो, अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स गया है तो वो वापस आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट और जानकारी सही होनी चाहिए आप लोगों के पास कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे असल में रीजन है क्या। तो इस वजह से जरूर कॉन्ट्रीब्यूटरी नंबर दिया करें, ताकि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अगर कुछ पैसे वापस आने हैं तो वो वापस आ जाए। इस वजह से ये जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं।
और मैं उसे करेक्ट करूंगा, पर आप लोगों के पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप इमिग्रेशन की बात करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेफ को रेफर करना है, ना मुझे रेफर करना है या मेरे जैसे और कोई यूट्यूबर है या हम लोग काम करते हैं, हमने हमें रेफर करना है। सीधा सेफ से आप वेरीफाई करें चीजों को ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।